खबर है चतरा से, जहां स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार चतरा पहुंचे हैं। इस क्रम में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय के साथ साथ सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा लंबे समय से फरार पाए गए हैं, बावजूद उनकी उपस्थिति को सीएस और डीएस के द्वारा नहीं काटा गया था। ऐसी अनियमितता को देखकर निदेशक प्रमुख आग बबूला हो गए और सिविल सर्जन डॉक्टर एस एन सिंह और डीएस डॉक्टर मनीष लाल को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि दोनों चिकित्सकों को अपने सामने हाजिरी कटवाते हुए पदाधिकारियों से हस्ताक्षर भी दर्ज करवाए हैं। निदेशक प्रमुख से स्थानीय लोगों ने डॉक्टर राजीव राजन के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर फरार रहने की भी शिकायत की गई है, जिसकी उन्होंने ओपीडी पंजी की जांच करी और ड्यूटी से लगातार डॉक्टर राजीव राजन फरार मिले, उनकी भी उन्होंने हाजिरी काटते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश सीएस को दे दिया है। इस पूरे निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में हड़कंप मच गया और सभी इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। ये काफी विगत 3-4 महीनों से अनुपस्थित पाए गए और मैंने खुद हाजिरी बही में जहां उनका नाम दर्ज था उसको एब्सेंट क्लिक करके काटा और डीएस और सीएस ने बताया कि इनके बारे में सरकार को रिपोर्ट कर दी गई है। तो मैंने कहा कि जब रिपोर्ट कर दी गई तो हाजिरी बही में गैप रहना कानूनी रूप से सही नहीं है। रिपोर्ट भी करेंगे और हाजिरी बही छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा दोनों काम, इससे आपकी मनसा उजागर होती है। डॉक्टर से नहीं है, मेरा एकदम स्पष्ट निर्देश है। डॉक्टर राजीव राजन के बारे में क्या निर्देश है सर? डॉक्टर राजीव राजन के बारे में जो मैंने मरीजों से बात की, पता चलता है कि वो हाजिरी बनाते हैं। हमारे जो यहाँ के उपाधीक्षक और सिविल सर्जन है वो बोलते हैं कि बायोमेट्रिक बनाते हैं, लेकिन जब मैं औचक निरीक्षण में आज आया चतरा सदर अस्पताल, उन्हें नहीं पाया लेकिन उनकी हाजिरी दर्ज थी। तो ये अब इस पर सीएस और डीएस को जवाब देना है कि ये 2 दिन पहले का बना हुआ है कि 4 दिन पहले का बना हुआ एडवांस, इस पर भी कड़ी कार्रवाई उनको करने की जरूरत है। और अगर नहीं है तो फिर वो हाजिरी का क्या औचित्य है, उसको भी मैंने एब्सेंट किया आज 2 दिनों के, इन्होंने एब्सेंट किया मेरे सामने, ये गंभीर मामला है। और राजीव राजन को इनसे स्पष्टीकरण पूछने की जरूरत है और अगला बार से अगर नहीं करेंगे तो फिर ये विभाग उच्च स्तर तक जाने की नौबत है और फिर आप लोग पर कार्रवाई होगी इस पर, अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने सिविल सर्जन महोदय से कि संजय कुमार सिद्धार्थ कितने वर्षों से पदस्थापित हैं चतरा में? 2009 से। तो ये 11 जब हम लोगों ने अभी स्थापना किया था स्वास्थ्य विभाग में, तो 2011 से इनका ट्रांसफर में क्या नाम नहीं भेजा गया यहाँ से? अगर बड़ा बाबू नहीं भेजे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे हम।